सो गाइज, मिरर ऑफ कॉमन एरर से हमने बुक को स्टार्टिंग से शुरू कर ही दिया है जैसा कि आपको पता है, लेकिन इसी बीच साथ ही साथ बच्चों की कमेंट आ रहे थे, सर लास्ट से करा दीजिए, लास्ट से करा दीजिए। तो मैं लास्ट से भी आपको यहाँ पे वीडियो करा रहा हूँ, जिससे कि हम लोगों ने 257 सेट तक लास्ट टाइम करा दिया था, आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे 258 सेट से। यस, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ नया भी चल रहा है और पुराना भी, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों वीडियो कंटिन्यू चलती रहें। मॉर्निंग में कोशिश करेंगे कि शुरुआत से चलती रहे और इवनिंग में कोशिश करेंगे कि वो शाम से शुरू हो जाए वीडियो, मतलब अपने आप से ही जो है दोनों सिस्टम से चलते रहना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे 258 सेट सेट है SSC UDC 2013 में आया हुआ इंपॉर्टेंट सेट है। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन इंडिया वर्किंग वुमा लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन इंडिया वर्किंग वुमा लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप गौर करें यहाँ पे तो उसने सेंटेंस में कहा है कि वर्किंग वुमा, और आगे उसने लगाया है आपका प्लुरल वर्ब लीड। तो यहाँ प्लुरल वर्ब के लिए हमें क्या करना होगा, या तो इसको प्लुरल बनाइए वुमा को, ऐसे वीमा कीजिए, ऐसे लीड्स कीजिए। बात वैसे यहाँ पे वीमा से ही चलेगा काम, क्योंकि लीड से नहीं चलेगा काम, क्योंकि बात हो रही है इंडिया में काम करने वाली महिलाओं की, ना कि केवल एक महिला की, इसलिए आप इसे वीमा ही करेंगे। वर्किंग वीमा लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि दोहरी जिम्मेदारी वाली भूमिका निभाती हैं। इफ़ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली, और आगे से यहाँ पे दे भी है, तो ये कन्फर्म है कि हमें प्लुरल वुमा को ही बनाना होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए इस सेंटेंस में बी पार्ट में एरर है, आपको यहाँ पे वुमा को वीमा करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए फिलहाल नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंगलीडर वॉज लेम। यहाँ गोल करें सेंटेंस में, तो सेंटेंस जो है आपका पार्ट में चल रहा है, हमें सी पार्ट से पचला कि वहाँ पर वोज आया हुआ है, क्या आया हुआ है वोज। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड को आपको करना होगा वी फाउंड, क्या करना होगा वी फाउंड, इसे सेकेंड फॉर्म बनाना होगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, बिकॉज आगे सेंटेंस पास्ट में चल रहा है वॉज लेम, इसके चलते आपको इसे फाइंड को फाउंड करना होगा। यस, यानी कि इस सेंटेंस की हो जाएगी आपके बी पार्ट में ही एरर। नेक्स्ट है दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक, यहाँ इस सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया लास्ट में लास्ट वर्ड का, जब भी किसी सेंटेंस के आखिरी में हो लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, आप सेंटेंस को बनाते हैं सिंपल पास्ट, क्या बनाएंगे सिंपल पास्ट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ सेंटेंस में से थर्ड सेंटेंस में आप, अच्छा होगा कि यहाँ पे हैव हटा दें और सेंटेंस में सिर्फ प्लेड रहने दें, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक, बस सेंटेंस ऐसे ही आपका हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इसके ए पार्ट में से आपको हैव को हटाना होगा, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका अपना आप करेक्ट। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम, एक सेकेंड, द टीचर मेड द बॉयज़ टू डू द सम ऑल ओवर अगैन। यहाँ अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में मेड आया है, आपको पता है बच्चों मेड, हैव, गेट और लेट, ये चार आपके हैं कॉजिटिव वर्ब, क्या हैं ये आपके कॉजिटिव वर्ब्स। कॉजिटिव वर्ब के साथ में एक खास बात ये रहती है बच्चों के, कॉजिटिव वर्ब के साथ आने वाली दूसरी वर्ब कभी भी टू के साथ नहीं आएगी, बिना टू के आएगी, यानी कि विदाउट टू आएगी। पॉजिटिव वर्ब के साथ दूसरी वर्ब जो है विदाउट टू चलती है, टू के साथ नहीं आती है, ध्यान रखें, यानी कि टू नहीं आएगा। सो द टीचर मेड द बॉयज डू द सम ऑल ओवर अगेन, यानी कि इस सेंटेंस में बी पार्ट में टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, ध्यान रखें आप लोग। यस, क्लियर है बात। चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, कह रहा है कि मैनी ओवरसीज स्टूडेंट अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया मैनी का, मैनी के बाद उसने सेंटेंस में यहाँ लगाया है प्लुरल नाउन स्टूडेंट्स, तो प्लुरल वर्ब भी लगाया अटेंड, जो कि ठीक है सेंटेंस, यानी कि इस पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। आगे उसने कॉलेजेस लगाया, ये गलत है, आपको सिर्फ और सिर्फ रहना पड़ेगा कॉलेज, क्या रखना पड़ेगा कॉलेज,
मैनी ओवरसीज स्टूडेंट अटेंड कॉलेज इन द ग्रेट ब्रिटेन, बस इस तरह सेंटेंस होना चाहिए था, बस यही पार्ट आपका होगा करेक्ट, यानी कि इसके बी पार्ट में कॉलेज, इसको कॉलेज करना होगा। नेक्स्ट सेट पर चलते हैं, 259 सेट है, ये भी एसएससी यूडीसी में ही आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ढंग से देखिएगा इसको भी, 2013 का ये सेट है, देखते हैं क्या कह रहा है। सेंटेंस है, कह रहा है कि इट बिकेम क्लियर दैट द स्ट्रेंजर वर हीडिंग इन टू अ सीरियस डिजास्टर। एक खास बात ये है थोड़ा सा आराम की, कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आपके पास चार, आपको इन चार ऑप्शन में से कोई भी एक चुनना होगा, थोड़ा सा इजी होता है काम बच्चों के लिए। यस, तो यहाँ पे क्लियर करते हैं बात को, कह रहा है कि इट बिकेम क्लियर दैट द स्ट्रेंजर वर हीडिंग, यहाँ पे इन टू हेड से बनाया है आपका हेडिंग, यानी कि ऐसे वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। यस, हेडिंग जो है यहाँ पे एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, एज ए वर्ब जब इस्तेमाल होगा हेडिंग, तो इसका अर्थ है मतलब किसी खास स्थान की ओर जाना या उसी की ओर यात्रा करना, तो आप ऐसे में इसके साथ प्रपोजिशन या तो फॉर या टू वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, हैड टू वर्ड्स, इट बिकेम क्लियर दैट द स्ट्रेंजर वर हैड टू वर्ड्स अ सीरियस डिजास्टर या फिर फॉर। तो इस सेंटेंस में ऑप्शन हमारे पास अलोंग टू वर्ड्स ऑन या फिर नो इम्प्रूवमेंट, तो हमें ऑप्शन लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ बी इसका, फिलहाल तो कोई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नज़र नहीं आ रहा है इस बच्चों, तो फिलहाल कोई भी ऑप्शन बेटर ना समझते हुए हम इसका लगा रहे हैं बी ऑप्शन करेक्ट, टू वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट सेंटेंस अगले पेज पे चलते हैं, सेंटेंस नंबर टू कह रहा है 20 किलोमीटर आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। आप इसे खुद सोचिए अपनी भाषा में, ज़रा एक हिंदी में सोच के देखिए, मैं आपसे क्या लगूँ कि 20 किलोमीटर लंबी दूरियाँ नहीं है, ऐसे कहना सही होगा 20 किलोमीटर लंबी दूरियाँ नहीं है या 20 किलोमीटर लंबी दूरी है, ज़रा सोच के देखें आप, हिंदी में भी आप इसे लंबी दूरियाँ नहीं कहेंगे, लंबी दूरी ही कहेंगे सिर्फ, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर्स आर नहीं इसका इस्तेमाल करें, जब भी यहाँ पे ये नाउन इसके बाद ध्यान रखें आप, नाउन आपके दो तरह के हों, जब मात्रात्मक और संख्यात्मक, मात्रात्मक और संख्यात्मक, मात्रात्मक यानी कि किलोमीटर, मीटर, माइल, लीटर, संख्यात्मक करोड़, लाख, थाउजेंड, दर्जन, ये इनसे पहले कोई नंबर हो, इनसे पहले कोई निश्चित संख्या होकर, संख्या आपकी कम से कम 1 से ज़्यादा हो, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ भी इंग्लिश में लिखी होगी, जैसे कि 2 किलोमीटर, 2 माइल, 3 माइल्स, 3 मीटर, 3 लीटर, 3 करोड़, 5 लाख, 7 लाख, 7,000 ऐसे करके हो, तो आप ऐसे में जब ये संख्या इनसे पहले होंगी तो इनमें ऐसे आई एस तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप इनमें ऐसे आई एस भी नहीं लगाएंगे, क्लियर बात। और वर्ब डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन पर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मतलब आगे वाली कंडीशन पर। जरा एक सेंटेंस बता रहा हूँ इसके ऊपर, मैं ज़्यादा इसको खुलकर नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा और हम लोग सेट से अपने हट जाएंगे। यस, क्योंकि ये नाउन का एक पोर्शन है, यूनिट आप नाउन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम इसको समझाते हैं खूब अच्छे से बच्चों को, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप इसको समझें ऐसे, जैसे मैंने कहा आपसे कि 2,000 रुपीज़ डैश इन माई पॉकेट्स, तो यहाँ पे आगे वाले पे डिपेंड करता है सेंटेंस पे, कि आगे उसने कहा पॉकेट्स, 2,000 रुपये मेरी जेबों में है, जेबों में है, इसका मतलब मैंने 2,000 रुपये इकट्ठे करे, कुछ इस जेब में, कुछ उस जेब में, कुछ ऊपर जेब में, कुछ पीछे जेब में, चारों तरफ उनको बांट लिए, तो यहाँ पे आएगा आपका आर, क्या आएगा आपका यहाँ पे आर। अगर वो सेंटेंस कहता है इस तरह कि 2,000 रुपीज़
डैश इन माई पॉकेट, 2000 रुपये मेरी जेब में है। तो अब आप लगाएंगे इस, तो आगे वाले पे भी डिपेंड करता है कि वर्ब कैसी आएगी। यहाँ पे भी यही था, कह के अ ग्रेट डिस्टेंस, अ ग्रेट डिस्टेंस, जब उसने अ कह ही दिया है तो आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखें। तो यहाँ पे इस का इस्तेमाल करें, आर का इस्तेमाल ना करें। तो 20 किलोमीटर्स आर नोट अ ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि इस, सॉरी, इज नोट अ ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट। क्लियर है बात। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका कह रहा है कि आई अडॉप्टेड अ न्यू मेथड, आई अडॉप्टेड अ न्यू मेथड, मैंने एक नया मेथड अडॉप्ट किया है। सेंटेंस में आई अडॉप्टेड अ न्यू मेथड, तो अडॉप्टेड ए डी ए पी टी ई डी, अडॉप्टेड, ये आपके 3-4 तरह के वर्ड है अडॉप्टेड, इसको ढंग से सुन लिया आप जरा ध्यान से। एक तो होता है अडॉप्ट, एक है आपका अडॉप्ट, और एक है आपका अडेप्ट। अडॉप्ट गोद लेना, अडॉप्ट अनुकूल बनाना, अडेप्ट निपुण। तो आई अडॉप्ट ये कहना चाह रहा है वो, अडॉप्ट नहीं, यस आई अडॉप्ट यानी कि अपनाना या ग्रहण करना, गोद लेना भी, अपनाना या ग्रहण करना भी। सो आई अडॉप्ट अ न्यू मेथड टू सोल्व द प्रॉब्लम। सो यहाँ पे अच्छा रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इसका बी आंसर लगाएं, फिलहाल जो गुंजाइश है यहाँ पे और कोई सेंटेंस इसका आंसर फिलहाल नहीं होगा। क्लियर है बात। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल करेक्ट, आपका बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब आई सेट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक आई वन एज अ प्राइज। होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब आई सेट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक आई वन एज अ प्राइज, यानी कि होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब, परेशान न होते हुए आई सेट डाउन इन माई इजी चेयर, अपने चेयर बैठ गया रीडिंग द बुक और पढ़ने लगा उस बुक को, टू रीड द बुक जिसको मैंने एज ए प्राइज जीता था, द बुक आई हैड वन एज अ प्राइज। सेंटेंस आपका परफेक्ट में होना चाहिए, यस पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनेगा, आई हैड वन एज अ प्राइज, इस सेंटेंस का ए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ़ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय ट्रैफिक। इफ़ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर, बिल्कुल ठीक है, शुड के साथ बी, फिर रेडी के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही प्रोसीजर है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं है, यस। तो फिलहाल इस सेंटेंस को मैं कहूँगा नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मोर दे स्पेंड ऑन लग्जरीज आइटम। बच्चों कंपेरेटिव डिग्री के बाद अगर आपका देन ना हो तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले देन का इस्तेमाल नहीं करते, सॉरी दा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, दा का। और जब कुछ चीज़ लगातार घट रही हो या लगातार बढ़ रही हो तो हम दोनों से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है कि द मोर दे स्पेंड। सेंटेंस ये होना चाहिए था, यानी कि इस सेंटेंस में भी अंडरलाइन पार्ट में भी मोर से पहले द आएगा। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस का आंसर, बी करेक्ट, यस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। यू हैव कम हेयर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी। ये एक बहुत ही प्यारा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है, नया चीज़ सीखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में आपको कभी भी दिखे विद अ व्यू टू लुक फॉरवर्ड टू accustomed to, habituated to,
एडिक्टेड टू, इज, एम, आर, प्लस यूज टू, वोज वर, प्लस यूज टू। ऐसे में आप इस टू के बाद भी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखें। किसका इस्तेमाल करते हैं? आईएनजी फॉर्म का, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, इज एम आर प्लस यूज टू, वॉज वर प्लस यूज टू के साथ हमेशा जीरण का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखें। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में इंसल्ट की जगह आपको करना होगा इंसल्टिंग मी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंसल्टिंग मी, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। अ लिटिल रोड इंजन वॉज एम्प्लॉयड बाय आ स्टेशन यार्ड। अ लिटिल रोड इंजन वॉज एम्प्लॉयड, ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयड का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना, किसी को नौकरी देना, किसी को नियुक्त करना या किसी को नौकरी देना, ये एम्प्लॉयड का मतलब है। यस, यहाँ पे इंजन को तो कोई नौकरी नहीं देगा भाई, नौकरी देंगे तो फिर तो सैलरी देनी पड़ेगी, और नौकरी देने में तो आपको हालात पता ही है हमारे यहाँ पे इस टाइम सरकार के। अ लिटिल रोड इंजन वॉज मेड, वॉज यूज, वॉज एम्प्लॉयड, और नो इम्प्रूवमेंट। तो बच्चों यहाँ पे वॉज मेड नहीं और एम्प्लॉयड तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो पहले बाहर हो चुका है इससे। तो आपको इस सेंटेंस का आंसर लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। अ लिटिल रोड इंजन वॉज यूज एट द स्टेशन यार्ड फॉर डूइंग अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क, यानी कि सेंटेंस का आंसर लगाएंगे हम लोग बी करेक्ट। यस, वॉज यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका होगा करेक्ट, यानी कि ऐसी स्थिति में इस सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नाइन्थ सेंटेंस पे। नाइन्थ सेंटेंस में क्या कह रहा है? फ्रॉम एन ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू द पेंटिंग डिड नॉट अपील टू मी। फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी, द पेंटिंग डिड नॉट अपील टू मी। डिड नॉट के साथ में अपील फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जो कि ठीक है। फ्रॉम एन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक आपका प्रीपोजिशनल पार्ट है, कोमा लगा करके सेंटेंस को ख़त्म किया गया, यानी कि ये भी आपका ठीक है, यानी कि सेंटेंस में किसी भी इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट ही है। द चाइल्ड टोस्ड इन बेड बर्निंग विथ फीवर। द चाइल्ड टोस्ड इन बेड बर्निंग विथ फीवर, यहाँ पे कह रहा है कि बच्चा जो है फीवर से था, इसलिए टोस्ट यानी कि करवट बदल रहा था। ये कीड़े में बच्चों टोसिंग एंड टर्निंग करवटे बदलना, क्या होता है करवटे बदलना। जेनिफर लोपेज का गाना भी आया था वेटिंग फॉर टुनाइट, उसमें भी उसने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, टोसिंग एंड टर्निंग इमोशन वॉज स्ट्रॉन्ग। जेनिफर लोपेज, वेटिंग फॉर टुनाइट, बहुत सुंदर गाना, करवटे बदलना। द चाइल्ड टोज इन बेड बर्निंग विथ फीवर, द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर टोज इन बेड, सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होना चाहिए था। यस, द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर, वो बच्चा जिसको बुखार हो रहा था टोज्ड इन बेड, क्यों? क्योंकि बर्निंग विथ फीवर यानी कि बुखार जो था वो बच्चे को हो रहा था, किसको हो रहा था? बच्चे को, ना कि बेड को। तो यहाँ पे ये आप बच्चे के साथ ही लगाएंगे, द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर, बच्चा बुखार, जिसे बुखार हो रहा था, टोस्ड इन बेड, बेड पे वो करवटे बदल रहा था, ये कहना चाह रहा है। तो इस सेंटेंस में द चाइल्ड बर्निंग विथ फीवर टोस्ड इन बेड, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सो गाइज, ये था आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर का सेट नंबर 257, 258 और 259, क्योंकि 57 पे हमने पहली बार क्लास अपनी स्टॉप की थी और उसके बाद हमने बिल्कुल शुरू से आपको बुक करानी शुरू कर दी थी बहुत भारी डिमांड पर। लेकिन उसके बाद आप लोगों के लगातार मैसेज आए, सर 257 से आगे सेट बढ़ा दीजिए, 257 से आगे सेट को बढ़ा दीजिए। तो हमने आज आपके लिए ये 257 से आगे बढ़ा दिया है, ऐसा नहीं कि वो स्टॉप कर दिया गया है, दोनों तरह चलती रहेंगे आपकी ये बुक, आगे से भी चलती रहेगी और पीछे से भी चलती रहेगी, यानी कि हो सकता है आपको अभी एक दिन में दो सेट मिल जाएंगे, आप ही का फ़ायदा है। जैसे कि आज सुबह भी हमने एक साथ दो सेट सोल्व करा दिए थे, आज शाम भी दो सेट सोल्व करा दिए,
तो 4 सेट सोलोगे एक दिन भाई। एक दिन में आपके 4 सेट सोल्व हो चुके हैं, जो कि अपने आप में इनफ है। यस, लेकिन मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि मिरर ऑफ कॉमन एरर को छोड़ मत देना, बस बिल्कुल भी किसी भी हालात में आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरुआत से पकड़ें या अंत से पकड़ें, आपको करनी ही करनी है अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्लियर बात, बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं विदा आपसे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।